नमस्कार, आर्यन रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होली के लिए स्पेशल, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से गुजिया, बिल्कुल सही नाप के साथ में बिना फटे, बहुत इजी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम 1.5 लीटर दूध का खोया तैयार कर लेंगे। उसके लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे और उसे बनाएंगे खोया। देखिए मावा बनके तैयार हो गया और इसको हमने भून भी अच्छे से लिया है। अब इसको हमें दोबारा नहीं भूनना पड़ेगा और गैस को हम बंद कर देते हैं। लेंगे मैदा, 1.5 कप मैदा है। हमने लिया है देसी घी, तो इसमें हम डालेंगे देसी घी। हमें देसी घी का मोहन देना है। पहले हमने 2 बड़ी चम्मच डाला है, अब इसको मिलाएंगे। उसके बाद हमें अगर आवश्यकता होगी तो हम और डाल देंगे। इसमें हम और डालेंगे घी। हमने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है। देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब ऐसे बनाएंगे गुजिया हम, तो गुजिया हमारी बहुत ज्यादा खस्ता बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी गुजिया खाने में। तो इसमें हमने करीब 3 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। 2 चम्मच हमने पहले डाला था भर भर के, और फिर दोबारा हमने आधे आधे चम्मच करके 2 बार डाला है। तो कुल टोटल मिलाकर उसमें 3 बड़ी चम्मच हमारा देसी घी पट गया है 1.5 कप मैदा में। अब हम लेंगे पानी और इसका डो तैयार करेंगे। डो हमें सॉफ्ट तैयार नहीं करना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। डो बनके तैयार हो गया है। देखिए हमने डो को सॉफ्ट नहीं कराया और ना ज्यादा हार्ड कराया डो को हमने। अब इसको ढककर के हम रख देंगे। मावा देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया और उसको हमने हाथों से अच्छी तरह से ऐसे करके क्रश कर लिया है मावा को। तो इसमें हम डाल देंगे मीठा करने के लिए बूरा या तलार या पिसी हुई चीनी, लेकिन पिसी हुई चीनी ना डाले तो ज्यादा बेस्ट है। तो मैं इसमें डालूंगी तलार 1/2 कप। मावा थोड़ा सा मीठा ज्यादा करते हैं क्योंकि ऊपर की जो मैदा होती है वो फीकी होती है, इसलिए गुजिया का अंदर का हमेशा स्टफिंग मीठी होनी चाहिए अच्छी तरह से। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़े से काजू कटे हुए डाल देंगे। आप इसमें और भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, गरी डाल देंगे घिसी हुई, कद्दूकस करी गरी डाल दिए। अब हम सबको मिलाएंगे। सब कुछ मिला लिया अच्छे से हमने उसमें। अब हम डो में से लोई तोड़ लेंगे। तो हम इसकी इतनी बड़ी बड़ी लोई तोड़ेंगे। सारी लोई गोल भी कर ली हमने। हम एक लोई लेंगे और सबको हम ढक देंगे। हम इसको तुरंत ही तुरंत ढकते जाएंगे ताकि इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हम एक लोई को बेलते हैं। देखिए हमने इसको इतना बड़ा बेल लिया है और हमने बिल्कुल पतला बेला है। मुझे हमेशा पतली बेलनी चाहिए तब बहुत अच्छी बनती है। अब इसको हम बेल करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं सांचे से गुजिया बनाना। तो हमने लिया है सांचा और हमने सूखी मैदा ली है और चाहिए हमें पानी। तो सूखी मैदा हम पहले ऐसे करके सांचे में लगा देंगे या इसको ऐसे करके ऐसे उल्टा करेंगे और सांचा हम ऐसे करके निकाल लेंगे। इसमें हमने सूखी मैदा इसलिए लगाई है ताकि इसको हम गुजिया बनाए तो इसमें चिपके नहीं। तो अब हम लेंगे एक बिली हुई लोई अपनी और इस पर ऐसे करके हम ऐसे रखेंगे। अगर बेले टेढ़ी मेढ़ी बिले तो कोई बात नहीं, सांचे में बना रहे हैं तो जैसे बिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो कट जाइए किनारी इसकी। और अब हम लेंगे मावा, तो इसमें हम 1 चम्मच ऐसे मावा रखेंगे, थोड़ा सा और रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और पानी को ऐसे करके सब तरफ लगाएंगे। आप चाहे तो पानी में मैदा मिला करके इसका घोल तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम पानी लगा लेंगे फिर भी चिपक जाएगा वो।
ऐसे कर देंगे और इसको हम ऐसे करके ऐसे बंद कर देंगे। अब हम ऐसे करके एक्स्ट्रा निकाल देंगे। परफेक्ट गुजिया बनी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपकी नहीं है इसमें सांची में गुजिया, कि हमने उसमें मैदा लगा ली थी सूखी। अब हम ऐसे कोई कपड़ा लेंगे साफ सा और इसमें ऐसे करके इसको ऐसे करके हम रख देंगे और ऊपर से इसको हम ढक देंगे, इस प्रकार से ढक देंगे, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए गुजिया में। और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम दोबारा से लगाते जाएंगे और साथ में हम लोई बना लेंगे, जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो हम दूसरी लोई लेंगे, उसको भी सांचे में रखेंगे। अब हर बार हमें सूखा मैदा जरूरत नहीं लगाने की इसमें, फिर से हम इसमें मावा रखेंगे, बस मावे को ध्यान रखना है कि आपके ऐसे किनारी पे नहीं आना चाहिए मावा बिल्कुल भी, उससे क्या होगा कि गुजिया आपकी फट सकती है, तो ध्यान रखना है बिल्कुल भी किनारे पे आपका मावा नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसमें पानी लगा देंगे, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बन रही है गुजिया हमारी जैसे बनती है। इसको भी हम उसी में सुला देंगे उसी तरह से, ऐसे करके ऐसे इस तरह लगाते चले जाएंगे लाइन से, उसको ढक करके सो देंगे गुजिया को। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, सारी गुजिया बनके तैयार हो गई हमारी। अब हमने गैस बिल्कुल धीमी करी है और बहुत तेज गरम में निकालना है, बिल्कुल हल्के गरम में इसको डालेंगे। देखिए इतने हल्के तेल में डालना है इसको, मैं हल्का गरम है। और इसको धीमे धीमे से करके हल्के हल्के हाथ से पलट देंगे। बस देखिए सिक गई है, अब इनको निकाल लेंगे हम और इसी तरह से हम सारी गुजिया सेक लेंगे। तैयार है ट्रेडिशनल गुजिया जिस तरह से बनती है, बनाइए इस होली का आप इस तरह से।